दोस्तों, ये लोग तो आपने सोशल मीडिया पर देखे ही होंगे और इन्हें देखकर आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर ये दोनों हैं कौन। इनके वायरल वीडियोस को देखकर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये दोनों हैं कौन और कहाँ रहते हैं। ये लगते तो फॉरेनर हैं, फिर भी हिंदी गाने कैसे गा पाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन लोगों के बारे में और साथ ही जानेंगे इनके रिश्ते के बारे में भी, एक दूसरे के क्या लगते हैं और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में जो आप नहीं जानते। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में जो लड़का है इसका नाम किली पॉल है, ये इनका निकनेम है जबकि इनका रियल नेम यूसुफ है। किली साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी कंपनी तंजानिया से बिलोंग करते वगैरह करते और गाय भैंस पालते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। किली ने अपनी एजुकेशन 7th स्टैंडर्ड तक पूरी की है जहां वो कैपिटल ऑफ तंजानिया से अपनी स्कूलिंग कर रहे थे। किली तंजानिया में एक छोटे से गांव में रहते थे जहां उनकी फैमिली कंडीशंस भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो 7th क्लास तक ही पढ़ पाए। बावजूद इसके किली इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश भी बहुत अच्छे से, केवल 7th क्लास तक पढ़े होने के बावजूद भी किली एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, जबकि उनकी मसाई ट्राइब में केवल रीजनल लैंग्वेज ही बोली जाती है। इतनी बावजूद भी किली बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड भी हैं, जिसका कारण किली बताते हैं कि ये टैलेंट उनके अंदर गॉड गिफ्टेड है, जिसके कारण वो थोड़े टाइम में कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी सॉन्ग्स। किली कहते हैं कि उन्हें हिंदी समझ तो नहीं आती, ना ही वो बोल पाते हैं, लेकिन वो लिरिक्स याद करके लिपसिंग जरूर कर पाते हैं। और इनका हिंदी लैंग्वेज में वीडियोस बनाने का सफर भी कुछ इस तरह ही शुरू हुआ। दरअसल ये बात है जनवरी 2021 की, जब इन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू किया था। तभी ऐसे ही नॉर्मली टिकटॉक पर वीडियोस बना दिया करते थे जिन्हें कोई नहीं देखता था, ना ही कोई लाइक्स आते थे। तब फिर इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स, जिसमें जुबिन नौटियाल का एक सॉन्ग रिकमेंड हुआ। इन्होंने ऐसे ही उस सॉन्ग पर लिपसिंग कर दी। तब ये लिरिक्स तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन वो वीडियो फिर भी काफी चली। उस पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया जो किली पॉल को पहले कभी नहीं मिला। और ऐसे करके इन्होंने काफी अदर हिंदी सॉन्ग्स पर भी वीडियोस बना डाले और उसमें से एक इनका वीडियो इंडिया में खूब वायरल हुआ, जो था शेरशाह मूवी का सॉन्ग राता लम्बिया, जिस सॉन्ग्स पर इनके एक्सप्रेशंस और लिपसिंग ने इंडियंस को भी हैरान कर दिया, क्योंकि एक तो इनका लुक जो बताता है कि ये किसी दूसरी कंट्री के हैं और दूसरी तरफ इनके लिपसिंग और एक्सप्रेशंस जो किसी इंडियन एक्टर से कम नहीं। इस चीज ने इंडियंस को काफी अट्रैक्ट किया और इन्हें लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया। हालांकि टिकटॉक इंडिया में बैन है, फिर भी इनके टिकटॉक पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और इंस्टाग्राम पर तो इन्हें इंडियंस ने फॉलो किया ही, जिसके कारण आज इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स ऑलमोस्ट 2 मिलियन हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किली हिंदी सॉन्ग्स पर लिपसिंग ही नहीं करते, वो हिंदी सॉन्ग्स गाते भी हैं। मैंने जब देखा था तुझको राता भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गए। और इनके फेवरेट सिंगर जुबिन नौटियाल है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किली के साथ ये लड़की आपको इनकी वीडियोस में दिखती है ये कौन है? इनका नाम नीमा पॉल है और ये किली की रियल सिस्टर। किली की फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें इनके काफी सारे भाई बहन हैं और वो सब लोग गाय भैंस पाल कर और खेती बाड़ी कर कर ही अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जब से किली और नीमा सोशल मीडिया पर पॉपुलर हुए हैं, तब से मानो इनकी जिंदगी बदल गई है। बहुत से न्यूज रिपोर्टर्स अलग अलग कंट्रीज से इनका इंटरव्यू लेने के लिए इनके गाँव तक पहुँच जाते हैं। ये देखकर इनकी फैमिली को भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये पहले वीडियोस बनाते थे और जब इन्होंने शुरुआत ही की थी, तब इनकी फैमिली ने साइको समझती थी और आसपास के लोग भी इन्हें पागल कहते थे। लेकिन अब पॉपुलर होने के बाद किली की फैमिली और दूसरे लोग भी काफी सपोर्टिव हो गए हैं और किली और नीमा भी प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप से जितनी भी इनकम करते हैं उससे अपनी फैमिली की काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। किली सोशल मीडिया से कमा रहे पैसे से अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखते हैं। उनकी स्कूलिंग और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब किली बखूबी निभा पाते हैं। और किली का कहना है कि वो अभी काफी आगे जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे वो इंडिया में पॉपुलर हुए हैं, वो अदर कंट्रीज में भी ऐसे ही पॉपुलर होना चाहते हैं।
और पूरे वर्ल्ड में अपनी मसाई ट्राइब और अपनी कंट्री तंजानिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। वेल किली, तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहूँगी। दोस्तों, अगर ये आपको किली की लाइफ स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट में लिख